और हम मजदूर लोग, दो मजदूर लोग हम काम करके बैठ चुके हैं और हमें खेतों में मच्छर खा रहे हैं। हेलो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम विष्णु ठाकुर और आप देख रहे हैं पाटलवाड़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है जरूर दबाएं ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और दोस्तों, आज हुई है काफ़ी तेज बारिश रात को और मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मिर्ची। आज हम बोएंगे इसको क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि नमी काफ़ी है और बारिश बहुत तेज हुई है रात को, बहुत बहुत बारिश हुई है रात को। तो आज होगा ये काम और शाम को मैं करूंगा नालियां साफ, या मतलब जिसको हम बोलते हैं चले, उनको साफ करूंगा। तो बने रहे इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखें। मोड उसको अपना औजार लेते हुए और ड्यूटी पे तैनात होते हुए, और इनके हाथ में आप देख रहे हैं ये है भिंडी और नीचे हैं मिर्चियां। तो अब करेंगे स्टार्ट इनकी बुआई। आप सामने ये दिख रहे हैं हमारी क्यारी में हमने बीज रखे हैं टमाटर, पपीते और कुछ बैंगन के यहाँ बूटे आप देखेंगे। और ऐसे ही बरसात का मौसम में हमें बिजाई करनी पड़ती है सब्जी के लिए, और पानी ज़्यादा होने के कारण सब कुछ उग जाता है आसानी से। और सुबह मम्मी ने जो मिर्ची के बूटे लगाए थे वो कुछ ऐसे लग चुके हैं दोस्तों सारे खेत में, आप देख सकते हैं। और अभी टाइम है 6:30 शाम का और मैं नीचे जा रहा हूँ खेतों में, और उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि कितने खेत में ये मिर्ची की बूटे लगा दिए हैं। और शाम के बज चुके हैं 6:30 और मैं अपनी ड्यूटी, अपनी दिहाड़ी लगा के आ चुका हूँ खेतों की तरफ। और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। कल रात बारिश काफ़ी तेज़, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और अपडेट ये है कि हमें करनी पड़ेगी अब नालियां साफ, मतलब ये वाले आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं चाले, और ये देखें आप इनमें पानी काफ़ी ज़्यादा आया था रात को। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये हैं कुछ नालियां, कुछ पुरानी कुछ नई नालियां, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं इनको, ऐसे हम पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं इनको चले। और बारिश बहुत तेज़ होने की वजह से आप देख सकते हैं पानी अभी भी यहाँ रुका है थोड़ा पानी, और नीचे खेत में भी यही हाल है। तो ये बारिश पहली बारिश हुई है बरसात की, मानसून की, और बहुत तेज़ बारिश हुई है रात को, जिससे ये नालियाँ सारी भर चुकी हैं और इनमें पीछे से मलबा मिट्टी आई है, तो हमें ये फिर से साफ़ करनी पड़ेगी। और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है आप देख सकते हैं, और अब मौसम भी ऐसा ही कुछ है, बादल हमेशा रहेंगे अब क्योंकि बरसात का मौसम, मानसून का मौसम स्टार्ट हो गया हिमाचल में। और मुझे करनी है नालियां साफ, उसके लिए मेरा औजार है ये झाम, ये देखो आप। और मैं करने जा रहा हूँ नालियां साफ, मतलब चले साफ। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि कहीं कहीं को उखड़ी हुई मिट्टी मिलेगी, इसमें हमने मिट्टी की बिजाई फिर से की है। जिस जगह मक्की नहीं उगी है वहाँ हम फिर से मक्की बीज रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं मम्मी। सो मैंने इस खेत में ये चढ़ा और नाली निकाल दी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ से देखे, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब चलते हैं नीचे वाले खेत की तरफ और वहाँ का चढ़ा नाली साफ करेंगे, यही हिमाचल की लाइफ है। अब मैं चलता हूँ इस तरफ और करता हूँ ये वाला चढ़ा साफ।
और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने चला वहाँ से जहाँ मम्मी खड़े हैं वहाँ से और यहाँ तक साफ कर दिया पूरा। और अब टाइम है 7 बजे और पीछे आप देख रहे हैं, और ऐसे ही मुझे काम हर एक खेतों में करना पड़ेगा और सारी नालियाँ साफ करनी पड़ेगी, सारे चाले साफ करने पड़ेंगे ताकि पानी ना आ सके। ये ये रहे हमारे उमड़ोस को, आप देख सकते हैं ये इन्होंने काम दिया है मुझे, ये कि झाम से सारे नालियाँ साफ करनी है तुमने आज, और देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं काम देके। और मम्मी कर रहे हैं जहाँ जहाँ मक्की नहीं उगी है वहाँ बिजाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहले मैं साफ कर देता हूँ, उसके बाद अपन चलेंगे घर। और माता रानी कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ जी मामू, उसको वो ऊपर ले गए कर। ऊपर ले कौन जी? दोस्तों नया खेत नया असाइनमेंट, और ये बोल रहे हैं कि तुमने नीचे वाले खेत में नहीं करना है साफ, तुम ऊपर वाले खेत में जाओ। ऑर्डर की तनाई कैसे की तुमने, तो मैं जा रहा हूँ अब ऊपर वाले खेत में क्योंकि हम ऑर्डर पे काम करते हैं। हम मजदूर लोग देखो दिहाड़ी लगा चुके हैं शाम की, और मम्मी के हाथ में देख रहे हैं आप किलनी। और अगर दोस्तों खेतों में आप खाली बैठ जाएं तो आपको मच्छर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मच्छर को भी कुछ ना कुछ चाहिए खाने पीने के लिए। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ क्योंकि आज का काम हमारा हो गया है ख़त्म और सायंकाल हो गया है, अब हम मच्छर से टसोना नहीं चाहते, इसलिए हम घर की तरफ मुड़ रहे हैं। और एक नया असाइनमेंट मिल गया है कि तू घर नहीं जाएगा काम करने से पहले, पहले इसको साफ करना पड़ेगा। तो ऑर्डर तो ऑर्डर है, अब ऑर्डर मानना पड़ेगा। और हमारे ठेकेदार साहब आप देख सकते हैं, कौन सा करना है ठेकेदार साहब? ठेकेदार साहब बोल रहे हैं कि इसको साफ करने करके जाना पड़ेगा तेरे को घर, ऐसे तेरे को आज खाना नहीं मिलेगा। तो मैं ये साफ करके फिर लेता हूँ आपसे अलविदा। आप देख सकते हैं कि मैंने कर दिया है काम खत्म। तो दोस्तों मैं जा रहा हूं अब घर की तरफ क्योंकि अंधेरा थोड़ी टाइम में थोड़ी देर में होने वाला है। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आपको ये मेरी कोशिश मेरी मेहनत अगर पसंद आए तो मेरे चैनल पहाड़ी लवाड़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और अपना ध्यान रखें, आजकल बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, मानसून स्टार्ट हो गई है, तो घर से छाता लेके ही निकलें, नहीं तो बरखा का टसराड़ा पड़ सकता है और आप कहीं भी भीग सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय हिमाचल।